गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कल हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या विच रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। और जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो दे गेट चार्ज्ड, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। वन गेट पॉजिटिव चार्ज और अदर गेट नेगेटिव चार्ज, और वो भी इक्वल अमाउंट में। जितना एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और साथ में हमने कल पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो चार्ज है, जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो चार्ज आता कहां से है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट चार्ज? तो बच्चों कुछ भी नहीं है ये। आप लोगों को पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब साथ में आपको पता है कि जो मटेरियल मैटर की जो मैटर के पास क्या होता है? मास। और मास जो है वो मैटर मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कोई भी मैटर है उसमें मास होगा ही होगा, चाहे वो छोटे से छोटा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके पास इनसे भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल क्वार्क्स हैं, तो सबका मास होता है। मास उसमें होता ही होता है, चाहे जितने कम अमाउंट में होगा होगा। तो वैसे ही चार्ज भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई मैटेरियल मैटेरियल है तो उसके पास कोई ना कोई चार्ज है ही है। तो हमने पढ़ा है कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और साथ में आप लोगों ने थॉमसन एटम मॉडल, रदरफोर्ड एटम मॉडल, फिर उसको मॉडिफाई किया बोहर एटम मॉडल, ये पढ़े हैं आपने छोटी क्लासेज में, एक 9th में पढ़ा होगा या फिर +1 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो जो बोहर एटम मॉडल है इसमें कहा गया है बेटा कि जो एटम है इट इज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेयर होता है। एटम इज ए परफेक्ट स्फेयर और इन विच ये विच कंसिस्ट ए टीनी सेंट्रल कोर, बहुत ही स्मॉल सेंट्रल कोर है एक, इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड। जितने भी प्रोटोन हैं और न्यूट्रॉन है वो इसमें लाई करें न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और वो भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं जो बोहर ने कहा है। और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करेंगे उतना ही प्रोटॉन्स अंदर होंगे, और प्रोटॉन के ऊपर हम +E चार्ज लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज। ये बाई कन्वेंशन है। एम्बर गलत बताया था आपको, एम्बर को हम ग्रीक वर्ड में या लैटिन वर्ड में क्या है वो, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एम्बर के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या चार्ज मान लिया? नेगेटिव, -E। और प्रोटॉन के ऊपर बिल्कुल उसका अपोजिट होता है और इक्वल होता है, तो +E। तो जो एटम्स हैं जिस भी मटेरियल का है उसके जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करेंगे। देन व्हाट इज द नेट चार्ज? जितना जैसे जेड एटॉमिक नंबर है तो +ZE -ZE, नेट चार्ज इज 0। तो मटेरियल के अंदर चार्ज 0 नहीं है बट नेट चार्ज 0 है। अगर हम बोलते हैं, और जब बॉडी के अंदर नेट चार्ज 0 तो हम बोलते हैं बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि हम बोलते हैं कि बॉडी अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है बट नेट चार्ज 0 है, मतलब चार्ज बैलेंस है। तो अब एक एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसमें चार्ज बैलेंस है, तो इट कंटेन लार्ज जो मेटीरियल इट है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स। तो एटम के अंदर नेट एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, तो जितने भी एटम सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, बॉडी के अंदर चार्ज, बॉडी के अंदर चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है बट वो बैलेंस है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही
नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसमें चार्ज तो है बट नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, जैसे हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को या इबोनाइट रॉड या कैट्स फर को रब करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल उसमें चार्ज बैलेंस था। जब उन दोनों को रब करते हैं तो रबिंग से उन दोनों को क्या मिली? हीट। अब एक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी अरेंजमेंट से, मतलब जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रिक जब हमने पढ़ा जो पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, वही इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करती है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस फोर्स के अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, अब जो कोई मटेरियल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी मटेरियल में लूजली बाउंड होते हैं, किसमें जो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनको क्या मिलती है? हीट। जब रब करते हैं, जब हम हाथों को भी रब करते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ठीक, तो वही हीट क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देगी कि वो जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस उसको ओवरकम कर जाएगा और वो उसको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो दूसरा मटेरियल जिसके साथ उसको रब के जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम दो मटेरियल को रब करते हैं तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एकदम से लूज कर देगा, और जिसमें टाइटली बाउंडेड होंगे वो क्या करेगा? गेन करेगा। अब जैसे हमने ये एक मैंने एग्जांपल लिया ऐसे ही, ठीक है, हमने ये कॉपर और सिलिकॉन लिया। ठीक है, जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और मास नंबर 64, तो इसमें क्या है 29 ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे और 29 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अब इसमें ध्यान देना, जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस से इन प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल जो लेबोरेटरी है उसमें भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम जैसे फ्रिक्शन घर्षण हुआ हमने रब किया तो उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सकती है। और जिस अब ये जैसे हम कॉपर की बात करें 29 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है 29 प्रोटॉन है और यहाँ पर ये मैंने सिलिक लिया इसमें 108 इलेक्ट्रॉन है और 108 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर 108 इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है और 108 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज करो जब हमने कॉपर और इस सिलिक को रब किया, सपोज कर रहे हैं हम एग्जांपल ले रहे हैं, जब हमने सिलिक कॉपर और सिलिक को रब किया तो क्या है, जैसे हमने ये कॉपर के ऊपर 29 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का 29 इलेक्ट्रॉन है और ये जो सिलिक है इसमें हमने 108 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के जो प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है और 108 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इन दोनों को रब किया तो मान लो कॉपर का जो कॉपर में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है सपोज करो और सिलिक में टाइटली बाउंडेड है, तो सपोज करो कॉपर ने जब इनको घर्षण हुआ तो एनर्जी मिली, दोनों को सेम अमाउंट से एनर्जी मिली, लेकिन जिसमें लूजली बाउंडेड है वो उस एनर्जी तक पहुंच जाएगा जो मिनिमम चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसके मेटल के उस मटेरियल के सरफेस से। तो कॉपर का वर्क फंक्शन कम है हमने सपोज किया है और लूजली ये इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, तो ये क्या करे, मान लो इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जब इसको रब किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पर? 27 - 27 मतलब 27 इलेक्ट्रॉन बच गए। और प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतना ही है 29, और इलेक्ट्रॉन उसने जो सिलिक है उसने उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले 108 थे अब कितने हो गए 110, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, नेट चार्ज 29 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज क्या आ गया? +2e। और इसमें
जो ये हमने ये सिलिक माना है उसमें कितना आ गया, माइनस के 110 इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिटिव तो उतना ही है, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा मतलब एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन की, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो एक्सेस अमाउंट में क्या है, प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। और कितना, अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, और जिसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर माइनस का 2e चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। तो जो एक मिनट अभी आए बेटा, अब हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे तो इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब कैसे, जब हम दो चीजों को रब करते हैं, दो बॉडीज को रब करते हैं, जिस बॉडीज में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जो जिसमें टाइटली बॉन्डेड होते हैं वो गेन करते हैं। हम ये भी बोलते हैं बेटा, जिसमें लूजली बॉन्डेड होता है उसका वर्क फंक्शंस कम होता है, और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस मटेरियल का वर्क फंक्शंस उसके कंपैरिजन में हाई होता है। ठीक है, तो जो ये जो चार्जिंग है ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल किसके कारण होती है, ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शंस टू द अनदर बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शंस। जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन लो होगा वो मटेरियल जब हम रब करेंगे तो वो लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। अब एक जितना लूज करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, तो जितने एक के ऊपर जो लूज करेगा उसके ऊपर इट गेट पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव बन जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेट नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो नेट नेट चार्ज भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब ध्यान देने, जब एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, मास भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो नेचुरली क्या होगा, बेशक इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल होता है, निग्लिजिबली, लेकिन फिर भी हम अगर मां बोले जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो नेचुरली क्या होगा, जो मटेरियल लूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब जो मटेरियल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसका मास स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और जो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, तो जिस मटेरियल में नेट चार्ज नेगेटिवली चार्ज है उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करता है, और जिस मटेरियल में नेट चार्ज पॉजिटिव है उसका मास स्लाइटली डिक्रीज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिसमें नेट चार्ज नेगेटिव जाता है उसका मास स्लाइटली इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, थैंक यू।